कौन को काट रहे हैं बार बार? मैंने मैंने आपसे कहा कि मैं, आपने फोन जिसको किया था तहसीन को, मैं वो नहीं हूँ ना। मैं फिर अब आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने उसको रात में किस लिए बुला रहे हैं? हाँ बोलो। नहीं बोलिए तो आप, क्योंकि आपने अभी मुझे कहा कि आप मुझे मुठभेड़ में खत्म कर देंगे और आतंकी। तू मेरी बात रिकॉर्ड कर, जब तेरा मेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है, तेरा मेरे पास आधार नहीं है, तो मैं तो एक मिनट में खत्म करूँगा। नहीं लेकिन वजह तो पता चले तो क्यों खत्म कर देंगे मुझे आप? तेरे पास क्या है? मैं तेरे से आईडी प्रूफ पूछ रहा हूँ, तेरा इस नंबर का आईडी प्रूफ पूछ रहा हूँ, इस नंबर का नाम पूछ रहा हूँ। तुम्हारे पास है कुछ? तुम बोल रहे हो, तुम रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन तुमने एक बार भी बताया कि मेरा ये नाम है या मैं यहाँ पे रहता हूँ और आधार कार्ड से मेरा नंबर लिंक है? तो मैंने मैंने आपको ये बताया, मैंने नहीं, मेरी बात बात सुनिए, बात सुनिए, मैंने आपको ये बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और सामाजिक कार्यकर्ता, मेरी बात सुनो। सामाजिक कार्यकर्ता वे होते हैं जिसकी मतलब पूरी लैंग्वेज अच्छी होती है और पूरा एड्रेस होता है, ये होते हैं सामाजिक। नहीं नहीं तो आपने आपने कैसे सोच लिया कि मेरा एड्रेस नहीं है और मेरा घर नहीं है? मैंने आपसे कहा कि आपने जिस इंसान को फोन किया है उसकी, मेरा वहाँ सेंटर चलता है, मेरी संस्था का वहाँ सेंटर चलता है, वो एक गरीब फैमिली है, वो मेरे यहाँ सिलाई सीखने उसकी बीवी आती है, इसलिए मैं उसको जानती हूँ। आपने रात में फोन करके उसको धमकी दी है तो आप क्यों बुला रहे हैं उसको? अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम कितना हो रहा है? 9 तो बजी रहे, 9 बज रहे हैं, रात हो गई अभी। तो फिर किस समय रात होती है? 7 बजे फोन कर रहा है वो, रात की 7 बजे, 7 बजे पूरे 8 बजे सूरज नीचे जाता है। नहीं नहीं बहरहाल, तो मैं तो आपसे इतना पूछ रही हूँ कि किस वजह से आप उसको बुला रहे हैं, तो ये आपको बताने में कोई दुविधा है क्या? इसलिए आप, आपने तो मुझे माँ बहन की सब गालियां दे ली, कोई छोड़ा तो नहीं? ये भी मैंने आपको बताया कि मैं वो नहीं। अरे मेरी बात सुन, तुमने रिकॉर्डिंग कर ली? नहीं रिकॉर्डिंग तो मैं करूँ ना करूँ, रिकॉर्डिंग तो वो अलग बात है, मैं तो आपको पूछ। रिकॉर्डिंग में तेरा कोई आधार नंबर एड्रेस कहीं है? उसे रिकॉर्डिंग की दोबारा सुन, और जिसका आधार नंबर या एड्रेस नहीं है हम उसे कहीं भी खत्म कर सकते हैं। हम पुलिस के हैं, कानून के दायरे में रहते हैं हम। ये एक मैं बात बोलूँ तो मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ एक अभियान चला है, घेरो और मारो। अच्छा ये पुलिस का अभियान? हाँ जो हाँ ये अभियान है, घेरो और मारो, जिसका एड्रेस नहीं है, जो आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा रहा है अपना नंबर, उसे घेरो और मारो। तो ये अभियान नहीं, ये अभियान किसना, सरकार ने तो चलाया, हमने तो अखबार में पढ़ा नहीं ऐसा कोई अभियान, आप बता रहे हैं मुझे? नहीं पढ़ा। नहीं किसी थाने में जाओ और वहाँ पे नोट देखो, लिखा हुआ है वहाँ पे सारे थानों में ये लिखा है कि जिसका आधार नहीं है उसको घेरो और मारो, ये कह रहे हैं आप? जिसका जिसका कोई आधार नंबर या आईडी प्रूफ नहीं कोई क्लियर कर रहा है अपना, तो उसे मैं भगाओ। तो क्या करूं मैं अभी आके देखूं? आप बता रहे हैं मुझे लाजपत नगर के कौन से थाने में है? तो यार कहीं भी जाके देख रहे, दिमाग को चाट रही है। नहीं नहीं आप आपके मैं अपने देखिए मैं अपने ही नंबर से बात कर रही हूं, वो नंबर आपके पास आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आ रहा। आप अगर ट्रू कॉलर डालेंगे तो उसमें मेरा नाम भी शबनम हाशमी आ जाएगा, और आप अगर गूगल करेंगे तो शबनम हाशमी का नाम उसमें भी आ जाएगा। मैंने आपको बताया मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ बताइए। अब बताया तुम, ये अगर तुम पहले बताती। नहीं नहीं वो तो मैंने आपको जब सबसे पहले मैंने जब आपको फोन किया मैंने आपको यही बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और आपने जो सब गालियाँ दी और सब कुछ दी वो मेरे पास करी। सामाजिक कार्यकर्ता तुमने बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या है? चलिए अब चलिए अब पता चल गया आपको, फोन पे तो आपको प्रूफ नहीं आ सकता ना। बोलो रहती कहाँ पे हो तुम? मैं द्वारका में रहती हूँ। द्वारका में रहती हो? समाज से किस तरह से लिंक करती हो तुम? क्या हुआ? समाज से किस तरह से लिंक करती हो तुम?
मैंने बताया आपको, मैं गरीब बच्चों को, महिलाओं को हमारे सेंटर हैं उसमें पढ़ते हैं। जैतपुर में जहाँ आपने फोन किया वहाँ पे हमारे यहाँ लड़कियाँ सिलाई सीखने आती हैं। जिस बंदे को आपने फोन किया उसकी पत्नी वहाँ सिलाई हमारे यहाँ से सीखी है, इसलिए उन्होंने मुझे संपर्क किया। सुनो, क्या हुआ सिलाई का तुम्हारा सिलाई का सेंटर है तुम्हारा? दोनों जी? सिलाई पढ़ाई दोनों का का है ये? जी। इतना मतलब प्रूफ है भी आप मतलब वो लोकल में चला रही हो? क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ इसका कोई वो आपने वो लिखवा के रखा है या ऐसे लोकल में चला रही हो इसे? कहाँ पे लिखवा के रखा है? एनजीओ है वो चलाती है, पहचान नाम से। क्या मैन्युफैक्चर, हुआ? मैन्युफैक्चर लिखा है या आप? मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते भाई हम। महिलाओं को, जो लड़कियां बच्चियां स्कूल जाना रोक जाती हैं, उनको हम पढ़ाई करके 10वीं 12वीं का एग्जाम दिलाते हैं और सिलाई सिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करते। नहीं करती हो नहीं, तो वहां से जी आपके स्कूल से लड़का निकलती है वहां पे आगे चली कहाँ पे वो जाएंगी क्या करेंगी? वो तो आप 10वीं 12वीं करके आगे उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगी। जिसके पास अरे मतलब सहूलियत होती है वो आगे पढ़ती है, कोई नहीं पढ़ती है। आगे आपके कोई भी कांटेक्ट नहीं है? हाँ नहीं, हम 10वीं 12वीं कराते हैं। मतलब 10वीं 12वीं करा के छोड़ दिया? कहाँ छोड़ का आएगो दिया, वहीं रहती हैं वो लड़कियां पे जो, रहती हैं? अरे उस इलाके में जहाँ पे हमारा सेंटर चलता है, जैतपुर एक्सटेंशन में। वहां पे चलता है लेकिन 10वीं 12वीं करा के आपने छोड़ दिया, आगे भी क्या करना चाहती हैं नहीं चाहती हैं? ये आपके लिंक है आगे? कुछ करती हैं कुछ नहीं करती। सवाल ये है कि जो 7वीं क्लास छोड़ के बच्ची बैठी है, 6ठी क्लास छोड़ के बैठी है, उसको 10वीं करा दी, 12वीं करा दी, उसको हम पैर पे खड़ा कर देते हैं इतना कि आगे का फैसला वो खुद कर सकती है। चलो कोई बात नहीं, रुको मैं अभी 10 मिनट के बाद तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ओके? परेशान आप मुझे बताइए क्या परेशानी है जिसको आप, बहुत ज्यादा है। अभी नहीं पता तो चले ना क्या केस है। तुम्हें 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। और ये जो तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो अभी तुमने बताया था थोड़ी देर पहले। हेलो? क्या बताया मैंने पहली पहले? हाँ ये बताया था तुमने रिकॉर्डिंग में कई बात तुमने जो बताई थी वे दोबारा सुनना। नहीं वो तो आपकी, हाँ, ये सही नोट करना अपनी बात। रिकॉर्डिंग तुम कर रही हो, मैं तो तुम्हारी कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर में चल रही है। नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपके तो आपने कंप्यूटर में, बहुत अच्छा है। रिकॉर्डिंग अगर आपने शुरू से कंप्यूटर में की हो रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी से नहीं पहले से की हो, तो फिर अपनी जितनी आपने गालियां दी हैं वो भी आपके पास रिकॉर्डेड होंगी। एक बार हाँ मेरे सुन पास लीजिएगा, रिकॉर्ड है। अगर एक बार सुन लीजिएगा, मेरे हाँ मेरी मेरी बात सुनो, है मेरी ना। बात सुनो। और आप महिलाओं से कैसे बात करते हैं, कौन सी भाषा में बात करते हैं, उसके बारे महिलाओं में से उस तरह, सोचिएगा। हाँ उस तरह से सोचूंगा। अगर महिलाएं आराम से अपना परिचय दे रही हैं, ठीक है, अगर महिलाएं अपना परिचय आराम से दे रही हैं तो उससे पहले आराम से बात करूंगा। अगर परिचय नहीं दे रही हैं तो मैंने मेरे लिए मैंने आपको फोन करते ही दोबारा बोला कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बोल रही हूँ। क्या बोला था आपने? जब उतर जाएगी तब बात करना, सुना क्या हुआ? है तुम्हें? हाँ मैंने कहा ये, मैंने कहा हाँ ये तो कि जब आपकी, आपने जो इस टाइम जितनी पी रखी है, जब नशा उतर जाएगा तो शायद आप बगैर गाली के बात कर लें, तब बात करिएगा, ये मैंने आपको बोला। हम ड्यूटी पे ये काम नहीं करते हैं मैम, ठीक अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की भाषा का आप है? प्रयोग कर रहे हैं हाँ उससे जिस तरह ऐसा की बात लगता नहीं। मैंने ये पूछा था, ये नंबर किसके पास रहता है, इसका आईडी प्रूफ क्या है? ये आधार कार्ड से लिंक करवाए, यहाँ से बात शुरू हुई थी, तुमने नहीं ये बात बात देखिए, किसके पास बात ये है कि आपको मेरे आधार कार्ड से या मेरे नंबर से या मेरे आईडी प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको, आप मेरे ऊपर केस नहीं कर रहे हैं। नहीं है? हम गली चौराहे पे खड़े हैं, मतलब भी नहीं है तुम्हारे मैं गली चौड़ा, देखिए पास? ऐसा है, आपने हाँ मेरी बात सुनो, आपने मुझे गली चौराहे पे अगर आपने मुझे पकड़ा होता कुछ करते तब आप पूछते, अभी मैंने आपको फोन किया मेरी बात सुनो, एक मेरी इंक्वायरी मेरी बात करने के लिए, समझे आप। मेरी बात अब मेरी बात सुनो।
तेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं कल को उनके साथ गलित चल रहे हैं, कोई बैग छीन के भागे या तुम्हारा बैग छीन के भागे, तुम क्या करोगे? 100 नंबर पे कॉल करोगे, हम आएंगे वहाँ पे। हाँ हम 100 नंबर को कॉल करते हैं। तेरा पति नहीं आएगा वहाँ पे बचाने के लिए, हमारे लोग आएंगे वहाँ पे। और ऐसा है, ऐसा है कि हम 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो बहुत भद्र पुलिस वाले भी आते हैं जो बहुत शराफत से बात करते हैं। हम 100 नंबर पे भी फोन करते हैं, हम इस पे जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट भी करते हैं, वहां पे भी जो हमको पुलिस वाले मिलते हैं वो बहुत शराफत से बात करते हैं। वो हमको ये नहीं कहते कि हम आपका एनकाउंटर करके आपको मार देंगे, ये तो मैं पहली बार आपसे ही सुन रही हूँ। एनकाउंटर करते इसलिए मारेंगे जब तुम अपना एड्रेस या आईडी प्रूफ नहीं दे रही हो। नहीं नहीं, अगर मैं एड्रेस और आईडी प्रूफ ना भी दूं तब भी भारत के अंदर ये कानून नहीं है कि आप मुझे एनकाउंटर करके मार दें। कानून है ये, अब कानून के दायरे में आ गया तो ये प्रस्ताव पास हो गया है संसद में। अब जो भी आदमी बॉर्डर पे है या बॉर्डर के अंदर है, अगर उसके पास पूरी जानकारी नहीं है और वो आराम से बात नहीं कर रहा है तो उसे जो पुलिस या कानून के दायरे में जो भी लैंग्वेज उसके साथ लेके चलना है वो इस्तेमाल करेगा, उसमें ना तो कोई मंत्री आएगा, ना प्रधानमंत्री आएगा, ना राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, तो ये नहीं तो नहीं आप, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये दिल्ली दिल्ली बॉर्डर पे है क्या? सुन मेरी बात सुनो, ये हमारे नौजवान वहाँ पे कश्मीर के बॉर्डर पे कट रहे हैं, मर रहे हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और तुम्हारे पास वो आधार नहीं है, तुम्हारे पास वो प्रूफ नहीं है, तो मतलब ये नौजवान क्यों करेगा वहाँ पे? सर्दी में मरे, गर्मी में मरे, गोली वो सामने खड़े हैं, क्यों मरेंगे? तुम इतनी बात बढ़ाने चल रही हो, तुम कह रही हो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तुम वहाँ खड़े पहुंचो, मैं तेरी लैंग्वेज वहाँ पे समझूंगा। ऐसा है कि ये हम ना बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, आपसे जो सवाल किया जाए आप बोलो कि वहाँ बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं, अंदर भी मर रहे हैं, बाहर भी मर रहे हैं, बॉर्डर पे भी मर रहे हैं, देश के लिए जो जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन देश में तुम तो देश के लिए क्या कर रही हो? तुम देश के लिए अपना आईडी प्रूफ, मैं देश के लिए गरीब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और मेरा मानना है वो देश के लिए बहुत जरूरी काम है गरीब बच्चों को पढ़ाना। मतलब तो खुद तो अपना आईडी प्रूफ या वो वहाँ पे नोट करवा रही हो, ऊपर से बोल रही पुलिस वाले दारू पीकर नशे में जब बात कर, तो मैडम ऐसा करना यहाँ पे आता है पूरा आईडी प्रूफ और वो अपने जो तुम्हारे बच्चे हैं उसकी पूरी लिस्ट लेके, अब तुम्हारे बच्चों को भी लिस्ट चाहिए लेकर यहाँ पे आओ। अच्छा हाँ वहाँ पे पहुंचो, और ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से तुम बात कर रही हो ये सारी बात मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम भी कर रही हो। ओके ठीक, लेकिन आपने पुलिस थाना नहीं बताया अपना, मुझे लाजपत नगर में कहाँ है पूरा एड्रेस बता दीजिए, तो वहीं मिलूंगे आके आपको कल। बताओ क्या बात, कितना मोटा दिमाग है तुम्हारा, कितना मोटा दिमाग है। नहीं दिमाग जो तुमने रिकॉर्डिंग करा उसे उसमें कई बार पुलिस पूरा एड्रेस है। नहीं आपने लाजपत नगर के आगे नहीं बताया, लाजपत नगर में तो कई पुलिस थाने हो सकते हैं। तुमने रिकॉर्डिंग की नाम ही नहीं करी है तो दोबारा कर ले। हाँ तो बता दो पूरा पता बता दो, उसे दोबारा छोड़ो, उस रिकॉर्डिंग को दोबारा छोड़ो। है नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग होती तो मैं पूछती नहीं तुमसे दोबारा, पता अगर मेरे पास होता तो रिकॉर्डिंग मतलब कितनी मतलब निकम्मी, और मैं वही बात दोबारा करवा फिर बोलोगी कि पिछले बार इस्तेमाल करते हैं, तुमने अभी कहा था मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं आपको पूछ रही हूँ कुलदीप कुमार जी, आपका कौन सा थाना है वो बता दीजिए। अभी मैडम तुमने ये कहा था मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग जब आप मुझे पूरी गालियाँ दे रहे थे और जब आपने जो भी कहा होगा वो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं है अभी की है, अभी की है, अभी की तो होगी तो आपको पता चल जाएगा है कि नहीं है। वहाँ पे मैं कई बार अपना एड्रेस पूरा पूरा बताया, अपना नाम भी बताया। नहीं आपने एक बार भी नहीं बताया। वो रिकॉर्डिंग खोलो और उसे सुनो, आराम से सुनो। भाई मुझे अगर आना है थाने तो आपको बताना तो पड़ेगा कौन से थाने आऊँ, क्या आपकी कोई ऐसे आप
मशहूर तो नहीं है कि मैं कहूँ कि कुलदीप कुमार सब इंस्पेक्टर कौन से थाने में बता दो तो फौरन मुझे 100 नंबर बता देगा कि फलाने थाने में पहुंच जाओ। संदीप, संदीप मलिक, अब नाम संदीप मलिक हो गया, पहले क्या था? कुलदीप बता रहे थे संदीप मलिक, बताइए कौन से थाने में। तुम्हारे कानों में कितना फर्क है? हो ये नाम भी बदलते हैं। मैं सरकारी सर्वेंट हूँ। तो आप अपना पता और बता दीजिए, बस संदीप मलिक आपका नाम है पता चल गया, आपने बोला सब इंस्पेक्टर है वो भी पता चल गया, आप कौन से पुलिस स्टेशन में ये और बता दीजिए। हैं? लाजपत नगर, नहीं लाजपत नगर तो मैंने पहले भी बोला, लाजपत नगर में एक ही पुलिस स्टेशन है क्या बड़ा? ठीक हाँ एक ही है। कितने हैं? है मुझे क्या पता, मैं अरे मैं वहां नहीं रहती भाई, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। तुम्हारी जाति? मैं द्वारका में रहती हूँ, यहाँ पे कम से कम 3-4 पुलिस स्टेशन है, इसलिए चल पूछ चल आ रही जा हूँ। अपना, हाँ चल चल आ जा, अपने फोटो वोटो लेके और अपने जो स्कूल से चला रही है और जो तुम्हारे पास जो लड़के वड़के हैं उनके सबके नाम लेके यहाँ पे आइए। अच्छा तो आप कल 10:30 बजे, हाँ सुन मेरी बात सुन, हाँ कल 10:30 बजे, अभी मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है, कल 10:30 11 बजे के आसपास चाहिए। ओके ठीक है, मिलते हैं 11 बजे कल लाजपत नगर में। तुम्हारा फोन चालू रहना चाहिए, इसे बंद मत करना। मेरा फोन तो भाई साहब 24 घंटा चालू रहता है। नहीं चालू कहाँ रहता है, कभी कभी बंद भी रहता है। आपने तो मुझे पहले कभी फोन नहीं किया, आपको कैसे पता मेरा फोन बंद रहता है? इंक्वायरी कर दे, ठीक है, ओके।